अखिलेश यादव ने पूछा सरकार से सवाल। LIC SBI के अधिकारी कब जाएंगे जेल? UP के अधिकारियों को निवेश करने पर भेजा था जेल। चहेते व्यापारी को पैसा किसके आदेश पर दिया? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गौतम अडानी और उनके बिजनेस पर छिड़े हालिया विवाद के बीच BJP पर जमकर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि BJP ने LIC SBI का पैसा अपने प्रिय उद्योगपति को दे दिया। अखिलेश ने BJP से सवाल किया कि अब इन संस्थाओं के लाखों करोड़ों रुपए डूब चुके हैं तो क्या सरकार इनके अधिकारियों को जेल भेजेगी? अखिलेश यादव ने रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूछा कि BJP बताए कि LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और न जाने कितनी संस्थाओं का पैसा अपने सबसे प्रिय उद्योगपति पर लगा दिया, आज कई करोड़ रुपए डूब चुके हैं, घाटा हो चुका है, क्या ऐसे अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा? मैं ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और न जाने कितनी संस्थाओं का पैसा अपने सबसे प्रिय उद्योगपति को लगा दिया, आज कई लाख करोड़ का घाटा हो गया है, क्या उन अधिकारियों को भी जेल भेजा जाएगा जिस तरीके से प्रोविडेंट फंड को भेजने वाले अधिकारियों को सालों साल जेल रखा गया था? क्या भारतीय जनता पार्टी SBI, क्या भारतीय जनता पार्टी LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजेगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण है कि अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है सरकार का पैसा और वो प्राइवेट कंपनी अगर भाग गई है तो उस समय के अधिकारियों ने जिन्होंने फैसला लिया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जेल भेज दिया गया। क्या इस तरह जो लाखों करोड़ रुपया डूब गया केवल दो कंपनियों में, क्या उनके SBI के, क्या LIC के बड़े अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा? और देश को तो सपना ये दिखाया जा रहा था कि दुनिया में वो सबसे बड़े उद्योगपति बन जाएंगे, नंबर एक पर उद्योगपति होंगे, लेकिन आज जब सूची देखते हैं तो 20 की सूची में भी वो नाम नहीं आ रहा है। आखिरकार कितना झूठ बोलेगी ये सरकार, उनकी तो वैल्यूएशन गई है लेकिन जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था उन आम लोगों का पैसा चला गया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र की BJP सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चहेते व्यापारी को बचाने में लगे हुए हैं। अखिलेश यादव ने कहा मोदी सरकार एक उद्योगपति को बचाने में लगी हुई है, उद्योगपति का 1,00,000 करोड़ से ज्यादा रुपया डूब चुका है, उद्योगपति प्रधानमंत्री जी का मित्र भी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि BJP की यूपी में सरकार बनी है, यहाँ पर अन्याय चरम पर है। रामपुर में आजम खान पर सारे मुकदमे झूठे लगा दिए थे, अधिकारियों ने ही रामपुर में उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट तक नहीं डालने दिया था, क्या यही लोकतंत्र था? आपको बता दें कि अखिलेश यादव मुरादाबाद में पूर्व विधायक के घर में शादी के समारोह में पहुंचे हुए थे जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल पूछे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।